आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम महाराज का लक्खी मेला 11 मार्च से आरंभ हुआ और 21 मार्च को द्वादशी तिथि तक ये चला। 21 मार्च को मेले का मुख्य दिन होता है जब ये मेला यहाँ पर समाप्त होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए खाटू श्याम महाराज के दरबार से अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिख जाएंगे, श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे। हारे का सहारा माना जाता है खाटू श्याम महाराज को। यहाँ एक विशेषता और है कि परंपरागत, ये देखिए जो विलुप्त हो रही लोक कथाएं हैं या लोक जिसे कहा जाए कि जिस तरह से ये सारे लोग, आपने कठपुतलियों का नाच देखा होगा, पर अब ये आपको कहीं दिखाई नहीं देता है। इन परंपराओं को, विलुप्त होती हुई परंपराओं को एक बार फिर यहाँ पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। प्रौढ़ हो रही पीढ़ी को इस बात का भान बहुत अच्छे से होगा कि किस तरह कठपुतली का नाच भी देखा करते थे, तालियां बजाया करते थे। मनोरंजन के साधन उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने पूरी रात भजन कीर्तन किया और फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी को स्नान कर पूजा की, बाद में अपना शीश काट कर भगवान कृष्ण को दे दिया। इसी वजह से वहाँ हर साल लक्खी मेला लगता है जो फाल्गुन माह के द्वादशी तक रहता है, शुक्ल द्वादशी तक ये रहता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के शुरुआत में बर्बरीक की अंतिम इच्छा महाभारत युद्ध देखने की थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध देखने के लिए स्वयं उनका सर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। कलयुग आरंभ होने के कई साल बाद सर वर्तमान के राजस्थान के खाटू गांव सीकर जिले में दफन पाया गया। कलयुग आरंभ होने के काफ़ी समय बाद ये स्थान स्पष्ट नहीं था। फिर एक अवसर पर जब गाय दफन करने के पास पहुंची तो थन से जब गाय उस स्थान के पास पहुंची तो उसके थन से अपने आप दूध निकलने लगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उस स्थान की खुदाई की तो वहाँ पर सर मिला। सर को एक ब्राह्मण को सौंपा गया। काफ़ी दिनों तक इसकी पूजा चलती गई और दिव्य रहस्य उद्घाटन की प्रतीक्षा होती रही, आगे क्या किया जाना है। इसके उपरांत खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें एक मंदिर बनाने के लिए उसमें सर स्थापित करने की प्रेरणा मिली। इससे एक मंदिर बनाया गया और ये प्रतिमा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन स्थापित यहाँ पर की गई। किंवदंती के अनुसार, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, रूप सिंह चौहान खाटू के शासक थे। उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने एक बार सपना देखा जिसमें देवता ने उन्हें अपनी छवि पृथ्वी से बाहर निकालने का निर्देश दिया। जिस स्थान को बताया गया था वहाँ स्थान पर खोजा गया और वहाँ ये प्रतिमा मिली, जिसके बाद इसका विधिवत इसे स्थापित किया गया। यहाँ देखिए ये श्वान को भी यहाँ दूध पिलाते हैं लोग, अपनी किस तरह से अपनी भावनाएं धर्म की प्रति अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए निशान लेकर, ध्वजा लेकर यहाँ पर जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। धर्ममय वातावरण खाटू श्याम में दिखता है और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप भक्ति भाव से अपने आप ओतप्रोत हो जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा।
पुलिस यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पुलिस की पहरेदारी होती है। सब कुछ आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो राजस्थान के सीकर ज़िले में ये मेला लगता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।